नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए फ्रेश ब्लॉग में। और अभी मैं आ गया हूँ सेंटर में। आज थोड़ा जल्दी आ गया था बिकॉज पहला जो बैच था वो 12 बजे था, लेकिन मैं पहुँचा ही यहाँ पर 12:10 में और फिर काफ़ी नेटवर्क इशू भी आ गया था। तो 12:30 बजे क्लास स्टार्ट ही हुई थी कृष्णा की और वो 1 बजे तक 11 घंटे क्लास हुई आज, बिकॉज क्लासेस भी थी स्कूल की तो बीच में उसको जाना पड़ गया। तो उसके बाद अभी अब डायरेक्ट जो बैच है वो 4 बजे है। यस, 4 से 5 है, फिर 5:30 से 6:30 है, फिर 7 से 8 है। लेकिन अच्छी बात आज ये है कि 5 बजे हम लोग सेंटर बंद कर देंगे, बिकॉज 5 बजे के बाद सारी जो क्लासेज हैं वो ऑफलाइन है। बीच में 2-3 क्लासेस थी लेकिन वो भी नहीं हो रही हैं, कोई बात नहीं, जैसा भी हो रहा है ठीक है। और मतलब जैसे रूटीन तो हमारा अब काफ़ी सेट हो गया, क्योंकि पूरा वीक हो गया ऑलमोस्ट ये, क्योंकि हमने मंडे से स्टार्ट किया था। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 3 दिन दिल्ली आ रहे हैं, तो आज 3rd डे है दिल्ली में। और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 2 दिन हैं नोएडा के। काफ़ी कुछ सही चल रहा है, अब थोड़ा हैबिट सी भी हो गई है। और मेरा मन था मतलब कि जो पहला वाला बैच है वो घर से ले लूँ, बट मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे क्या होता है कि ऑप्शन होते हैं मेरे पास, जैसे किसी ने बोला कि घर में आके पढ़ा दो या फिर ऑनलाइन पढ़ा दो, तो यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी पास है। और घर से मैं सोचूंगा कि निकलूँगा तो कम से कम मुझे चाहिए 1 आवर, और यहाँ से चाहिए कम से कम 15 मिनट चाहिए बस। तो ये रीज़न होता है कि मैं मतलब सोचता हूँ कि यहीं से क्लास लेता हूँ जो अच्छा रहेगा, इसीलिए क्लास में यहाँ के लिए मैंने। तो घर से निकल गया था आपका 11:07, 11:10 करीब निकला था, बट थोड़ा जाम ज़्यादा था इस टाइम, वरना तो मैं 1 घंटे में पहुँचा था। लेकिन फिर पहुँचा मैं 1 घंटे में ही हूँ, बिकॉज निकला मैं 11:10 करीब हूँ तो 12:10 में पहुँच गया हूँ, तो ऑलमोस्ट मैं सेम टाइम पर ही आया हूँ, तो ठीक ही है, कोई इतना कोई डब भी नहीं है। और अभी मेरे पास टाइम है 3 घंटे का, तो देख रहा हूँ मैं, और बच्चे जो मेरे को मिल रहे हैं तो उनको मैं कराता हूँ बैच, वरना कल कर लेते हैं, कल तो करना ही है। और अभी क्लासेस 3 हैं, सो देखते हैं कैसा शेड्यूल बनेगा। तो बीच बीच में आपको मैं अपडेट करता रहूँगा ये क्या क्या कर रहा हूँ, तो अभी देखते हैं क्या होता है। सो दोस्तों, अभी फाइनली अपडेट कर रहा हूँ कि अगला बैच कब होगा। मतलब ये है ना, इससे बढ़िया होता मैं घर से ही बैच कर लेता है, लेकिन यार वही है, 2 बजे निकलता फिर 3 बजे पहुँचता। सोचा कि चलो यहाँ पे कम से कम ये है कि यहीं से मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑफलाइन क्लासेस बगल में है, तो ठीक है एक तरह से। मतलब कह सकते हैं कि वर्क ऑफिस ही आ गए हैं, वर्क की जैसे ही हो रहा है, बड़ा ना मतलब बोर सा लग रहा है, बोर सा फील हो रहा है, और थोड़ा सा भूख भी लग रही है। तो देखते हैं कुछ खाने का बाहर मिलता है तो कुछ खरीद भी लेते हैं खाने का, भूख तो काफ़ी लग रही है, बिकॉज मम्मी तो ऑफर कर रही थी नाश्ता करके जाने के लिए, लंच लेके आने के लिए, लेकिन मन ही नहीं किया। देखता हूँ कुछ करता हूँ, खालीपन था, बड़ा अजीब सा लगता रहता है। और फ़ोन भी चार्ज है, फ़ोन भी चार्ज कर रहा हूँ, लैपटॉप भी चार्ज थोड़ा चार्ज हो गया है, बिकॉज फ़ोन को चार्ज करके रखता हूँ मैं ऊपर, बिकॉज यहाँ ये बेसमेंट में तो नेटवर्क चाहिए होता है थोड़ा बहुत। और क्लासेस के बीच में क्या होता है, जैसे क्लास कटती है तो अच्छा मतलब नहीं पड़ता इफेक्ट, तो इसलिए मतलब फ़ोन को मैं सोच रहा हूँ फुल चार्ज कर लूँ, ऊपर रख दूँ, वहाँ पर नेटवर्क में पूरा आता है। बीच में क्लासेस के बीच में मुझे कुछ मतलब फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, तो इसलिए करना पड़ता है ये सब। बस ठीक है, ऐसा होता है, देखते हैं अभी 1 घंटा है हमारे पास, तो जैसे जैसे निकाल रहे हैं 1 घंटे को फिर क्लास लेंगे, मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी बच गए हैं 4:55। अब मुझे 2 लेना है ऑनलाइन बैचेस, एक है 5:30 बजे और एक है 7 बजे। तो अभी 5 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो जो पहला बैच है वो है ग्रीन पार्क में, और 6:30 बजे तक वो बैच होगा, फिर वहाँ से निकल के 7 बजे तक पहुँचूँगा मैं दूसरे बैच में जो कि है ग्रीन पार्क में, तो 7 to 8। तो मतलब इस तरह शेड्यूल एक बना है, और 8 बजे जो हम फ्री हो जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत जो है रास्ते में शूट करेंगे, थोड़ा बहुत जो बीच रास्ते में जाएंगे, थोड़ा आराम से जाएंगे और शूट करते रहेंगे साथ साथ। और अभी जैसे मैं कैसे से कुछ बैग पैक करता हूँ उसका आप लोग देख लीजिए टाइम लैप्स, ठीक है।
भूख भी लग गई थी, तो इससे पहले जो है हमने अभी वो खाया, ये अंडा पराठा खाया है, और अभी जो है थोड़ा मतलब बीच रास्ते में आए हैं तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं, खाने के लिए आ गए हैं। सांस तो अभी मैं बना दूँ, अभी बना रहा हूँ शॉर्ट्स, तो दो वीडियो बना रहे हैं हम धोनी के ऊपर, और एक बना कि जो हमारी एक वीडियो आई थी वो मतलब लोगों ने पैसे लिया था उसके लिए, फार्मर्स ने, फाइव लाख फार्मर्स ने, तो उसको लेकर एक वीडियो बना रहा हूँ, दो शॉर्ट्स में बना रहा हूँ, अभी बच गए 11:20, और कल हमने जो शॉर्ट डाला वो एक डाल था 12 बजे से पहले, दूसरा डाला 12 बजे के बाद, लग रहा है कि शायद आज भी लेट हो जाएगा, उनको बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। बेसिकली शॉर्ट्स मिल गए हैं तो उसको बनाते हैं, शूट करते हैं, तो आप देखिए उसका। शूटिंग तो पूरी डन हो चुकी है, अब अभी बज रहे हैं 11:35 और मुझे दोनों शॉट्स को अपलोड करना है, देखते हैं होता है कि नहीं होता, हो तो जाएगा, ठीक होगा कि 12 बजे से शायद ऊपर टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा मतलब दो शॉट्स आपको अच्छे मिलेंगे, क्वालिटी अच्छी मिलेगी उसकी, और हमारा साथ साथ ब्लॉग भी जो है कम्प्लीट हो चुका है, तो दोनों को मैं अभी क्लोज करता हूँ। तो जो भी आप लोग अगर तो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो हम लोग 100 दिनों में 100 ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ, और हमारी जर्नी का हिस्सा बनिए, और हमारी इस जर्नी का हिस्सा बनिए, आपको डेली सुबह 8 बजे नया ब्लॉग देने को मिल जाता है। सो मिलता हूँ अच्छा अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।